नमस्कार मु राखीस आपण मन को चैनल को स्वागत करुच्ची। आज आम नवम श्रेणी हिंदी बहर प्रियतम जहाँ कि सूर्यकांत त्रिपाठी निर्डा से आसी चलत विषय को आरंभ करवा कवि परिचय अच्छी कवि परिचय तापर कवि रचना गुड़िकषयर भावबोध विषय दि जाए सीधा आगे जाऊँ पद्यटी को। एक दिन विष्णु के पास गए नारद जी, पूछा मृत्यु लोक में वह कौन है पुण्य लोक भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम। नारद ने कहा मैं उसकी परीक्षा लूँगा। हंसे विष्णु सुनकर यह कहा कि ले सकते हो। नारद जी चल दिए पहुँचे भक्त के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। दरवाजे पहुंचकर राम जी का नाम लिया, स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। शाम को आया दरवाजे फिर नाम लिया, प्रातः काल चलते समय एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। बस केवल तीन बार नारद चक्रा गए। दिवा रात्रि जपते हैं नाम ऋषि मुनि लोग, किंतु भगवान को किसान ही यह याद आया। गए हुए विष्णु लोग बोले भगवान से, देखो किसान को दिन भर में तीन बार नाम उसने लिया है। बोले विष्णु नारद जी, आवश्यक दूसरा काम एक आया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता। साधारण विषय यह बात को विवाद होगा, तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। तैलपूर्ण पात्र यह लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की, ध्यान रहे सविशेष एक बूंद भी इससे तेल न गिरने पाए। लेकर चले नारद जी आज्ञा पर द्रुत लक्ष्य, एक बूंद तेल इस पात्र से गिरे नहीं। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे वैकुंठ को, तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था यह सोचकर, तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया, स्नेह से कहा बतलाओ पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। एक बार भी नहीं, संकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से, काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा, नाम फिर क्या लेता। और विष्णु ने कहा नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है, उत्तरदायित्व कई लदे हैं एक साथ, सबको निभाता और काम करता हुआ, नाम भी वह लेता है इसी से है प्रियतम। नारद लज्जित हुए, कहा यह सत्य है। इठारे शब्दार्थ गुड़िक धन्यवाद। एवं मु विषयटी को बुझाई को जाऊँ। एक दिन विष्णु के पास गए थे नारद जी। दिने विष्णु को निकट को नारद जाई पचारे, संसार रे आपणकर प्रधान तथा पवित्रवंत भक्त किए। भगवान विष्णु उत्तर देले जे जने उत्तम कृषक तांकर प्राण थारु अधिक आपणार। नारद तांकर परीक्षा नेबाकु कहिले, भगवान विष्णु एहा सुनी हसी हसी कहिले परीक्षा नहीं पार। नारद जी चल दिए पहुँचे भक्त के यहाँ। नारद भक्तों पाखकु जाई देखिले से कृषक दो खरा बेलू हल कर घर को फेरला, घरे पहुँची प्रभु राम को नाम नेला, स्नान भोजन सारी पुनर्बार काम को चलीगला। संध्या समय रे घर को फेरी पुणी प्रभु राम को नाम नेला, प्रातः काल रे पुणी थरे प्रभु मधुर नाम को स्मरण कला। दिन राति मुनि ऋषि मैंने भगवान को ध्यान करुवा बेले, मात्र दिन को तीन थर प्रभु नाम जपि कृषकटी एत आपणार हो, नारद महाराज विस्मित हो पड़े। से विष्णु लोक जा भगवान को कहिले, देखंतु प्रभु कृषकटी दिन को मात्र तीन थर नाम जपुची। बोले विष्णु नारद जी, प्रभु विष्णु नारद को कहिले, हे नारद, अन्य एक जरूरी काम आसी पहुँची जहाँ को तुम बिना कहीं कही पारे ना। यही साधारण विषय पर तर्क होब, मात्र ताहा पूर्वर यह जरूरी कार्यटी को पूरा कर दिंतु।
ଏହି ତୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରଟି ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବୁଲି ଆସ। ଯେପରି ଧ୍ୟାନ ରଖିଥିବ ଏଥିରୁ ବୁନ୍ଦେ ହେଲେ ତେଲ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମହାତ୍ମା ନାରଦ ତୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରକୁ ଧରି ଏକଲୟରେ ଚାଲିଲେ, ଯେପରିକି ବୁନ୍ଦେ ହେଲେ ତୈଳ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗୀରାଜ ଦେବର୍ଷି ବିଶ୍ୱ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଫେରିଆସିଲେ। ପାତ୍ରରୁ ବୁନ୍ଦେ ହେଲେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଖୁସି ମନରେ ନାରଦ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ତେଲର ରହସ୍ୟ ଏକ ନବୀନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦକୁ ଦେଖି ପାଖରେ ଆଦରର ସହିତ ବସାଇ କହିଲେ, ତୈଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ନେଇଯିବା ସମୟରେ କେତେଥର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ନାମ ଜପିଛ କୁହ। ନାରଦ ଶଙ୍କା ସହିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଥରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କ କାମରେ ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଲାଗି ରହିଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନାମ ଜପିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସର୍ବଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେହି କୃଷକକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ତା ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କୃଷକକୁ ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ପରିଶେଷରେ ନାରଦ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଏହା ସତ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।